गाइस फाइनली आई एम इन दुबई और ये है मेरी ऑफिशियल कंट्री नंबर 7। हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया कहीं बाहर, इंडिया के बाहर कहीं गए हुए, तो फाइनली आज दिन आ गया है कि जो मैं जा रहा हूँ यूएई, पहली बार जा रहा हूँ। तो इस समय मैं मुंबई में हूँ और ये मेरा लेओवर है काफ़ी टाइम है इधर। तो भुवनेश्वर से मैं मुंबई के लिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि डोमेस्टिक में कैसे ट्रैवल करना है, जाना है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, वो मैं ऊपर डाल दूँगा। और तो बस काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जाना है बाहर इंडिया के, मौका मिल गया फाइनली। तो भाई ये जो एयरपोर्ट बहुत खाली है, मतलब पीछे कोई है ही नहीं, पीछे पूरा खाली है और रात हो चुकी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड था जब मैं भुवनेश्वर से यहाँ दुबई जाने के लिए मैं फ़्लाइट लिया। तो सबसे पहले उन्होंने प्रिंट आउट मांगा, इंश्योरेंस का, वीज़ा का, रिटर्न टिकट की फ़्लाइट थी, होटल बुकिंग भी मांगा उन्होंने, वीज़ा के साथ साथ पासपोर्ट तो मैंडेटरी होता ही हर जगह जाने के लिए। तो ये छोटे डॉक्यूमेंट्स थे, वो थोड़ा देखे, दो तीन बार देखे, टाइम काफ़ी लगाया, मतलब दो तीन लोगों ने चेक किया अलग अलग जगह, इंडिगो के स्टाफ ने, फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया और बोर्डिंग पास मेरा दे दिया। फ़्लाइट पूरी भरी हुई थी, मतलब जगह नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन खैर देखते हैं अब आगे वाली फ़्लाइट कैसी होती है। अभी तो खैर बहुत टाइम है, यहाँ पर लेओवर में काफ़ी टाइम बिताना है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगे और मैं समय के साथ आके बताता रहूँगा और कैसा ये मेरा प्लान जा रहा है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि अगर आप दुबई आना चाहते हो या प्लान कर रहे हो कुछ भी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कैसे आपको क्या मैनेज करना है, कैसे आपको आना है। तो आगे बात करते हैं। मेरे पीछे निवांता ट्रांजिट होटल एंड लाउंज। तो यहाँ मैंने एक पिज़्ज़ा मंगाया 10 इंचेस का, लगभग 600 रुपये पड़ रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं, महंगा तो मिलेगा ही एयरपोर्ट पे। खैर तो फटाफट इसको खा लेता हूँ, फिर फ्लाइट में भी बहुत टाइम बाकी है। तो हो गया है इमिग्रेशन और मैं आ गया अपने गेट पर। मेरा गेट नंबर है 69। तो सबसे पहले इंडिगो ने फिर से वही सब जो डॉक्यूमेंट्स देखे थे भुवनेश्वर में, वही फिर से देखा और एक स्टैम्प लगा दिया, स्टैम्प नहीं, छोटा स्टिकर लगा दिया, ये वाला, अरे ये स्टिकर लगा दिया छोटा सा। इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक है, आप जा सकते हो। फिर उसके बाद मैं इमिग्रेशन गया, इमिग्रेशन में कोई सवाल उन्होंने किया नहीं। डॉक्यूमेंट्स जो देखे उन्होंने वो रिटर्न टिकट थे, वीज़ा था और बोर्डिंग पास और पासपोर्ट उन्होंने देखा, और उन्होंने इमिग्रेशन का ठप्पा लगा दिया और मैं अपना आगे आ गया। तो मतलब अब ठीक है, सब सही है। और मैंने ये देखा कि मतलब ट्रैवलिंग करने टूरिस्ट वीज़ा में कोई भी नहीं आया है, सब कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आया था। तो लोग मुझे भी वही समझ रहे, पता नहीं क्यों, शायद शक्ल से लग रहा है या क्या जो लग रहा है, वैसे ऐसा है नहीं। और इधर चल रहा है, खाली है पूरा, और यहाँ चल रही बड़ी सी टीवी चल रही है, यहाँ पर दिखा रही कि कोविड की वैक्सीन आने वाली है, अब देखो कब तक आती है। फिलहाल ट्रैवलिंग तो हम शुरू कर रहे हैं, तो अभी तो खैर अभी भी टाइम है, 3-4 घंटे हैं अभी भी वेट करने हैं। ये देख रहा हूँ कहीं कोई पकड़ ना ले मास्क उतारने के लिए। तो अगर अभी भी आप बने हुए इस वीडियो में तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कोविड हो या ना हो, पेंडेमिक हो या ना हो, इस पर वीडियो आती रहेगी हमेशा, क्योंकि ट्रैवलिंग ही जुनून है। और पीछे आ रहा है कुछ टीवी पे रात के 3 बजे कोविड और इन सब के बारे में आ रहा है कि कब वैक्सीन बनेगी, अब देखिए कब बनती है वैक्सीन। ये एक बहुत सही मशीन है इधर, और कई सारा स्नैक है, इसमें मैंने मंगाया ये वाला स्मार्ट खाखरा। और इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें पेटीएम से भी पे कर सकते हैं,
पेटीएम पे टच करेंगे और क्यूआर कोड जनरेट होगा, वहाँ से आपको डालना है कोड इसका और वो नीचे गिर जाएगा और आप नीचे से ले लोगे उसको। तो ये चीज़ बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर। और ये जो पासपोर्ट कवर है ये मैंने मंगाया है यात्री डॉक्टर जो चैनल है नवंकुर का, उसको मंगाया ऑनलाइन और काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने अपना नाम भी लिखवा लिया है, 600 या 700 में मुझे ये पड़ा, अच्छा काफ़ी। और आगे कुछ फ्लाइट्स खड़ी है, और ये बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब जाना है बोर्डिंग करने। और एज़ यूज़ुअल मैं अपना लेट में बोर्डिंग करूँगा, जब सब लोग कर लेंगे तब मैं पहुँचूँगा बोर्डिंग करने। बहुत थक चुका हूँ, सुबह हो चुकी है, अब दुबई पहुँचते हैं, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो लगभग 3.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मैं पहुंच चुका था दुबई, और अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि दुबई पहुंचने के बाद मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और क्या डॉक्यूमेंट्स देखे गए। साथ ही मैं ये दिखाऊंगा कि दुबई इतना एक्सपेंसिव क्यों है, जिसका मुझे एक छोटा सा पार्ट देखने को मिल गया था और एक मोटा वाला पैसा खर्च हो गया था। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।